वीडियो को चुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने ये वीडियो चुना है तो प्लीज़ इसे पूरा देखिए और चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को यहाँ पर प्रेस कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली एंटरटेनमेंट के इस चैनल पर, जहाँ पर हम सॉन्ग से रिलेटेड, ट्रेलर से रिलेटेड और फनी वीडियो से रिलेटेड रिएक्शन वीडियोज़ बनाते हैं। तो चलिए, आज जो हम वीडियो देखने जा रहे हैं वो है रफ्तार का गाना मैं वही हूँ, जिसमें रफ्तार ने ये गीत गाया है एक तरीके से और रैप किया है इसमें कर्मा ने। तो चलिए सुनते हैं पूरा गाना और देखते हैं ये गाना कैसा बनाया गया है रफ्तार के द्वारा। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, प्लीज़ यार जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए यहाँ पर नीचे और बेल आइकन को प्रेस कीजिए यहाँ पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं रफ्तार का गाना मैं वही। एलेक्सा, तो रफ्तार कह रहे हैं एलेक्सा से गाना चलाने के लिए मैं वही हूँ बाय रफ्तार ऑन अमेज़न म्यूजिक। अरे अल्फा बीटा गामा थीटा, तेरे भाई ने सबको पीटा, भगा भगा के आपके लिए आए स्पेशली। हाजी हाजी कर्मा, कुछ अलग स्टाइल का गाना लग रहा मुझे। ये गाना उनके लिए है जो मेरे साथ स्कूल में थे। कैसे भाई हो? और उनके लिए जो अभी भी स्कूल में है। बड़ो और बड़ो भाई, जब तक स्कूल में हो ना मजे ले लो। सब एक जगह है स्कूल में, मजे ले लो। जब मैं स्कूल में था मिलता चार का समोसा था, टाइम पर तक चार पैसे का समोसा बिना मसाला डोसा था। हर महीने या खरी शनि को मिलते 10 रुपए और उसमें मैंने यारों को जो भी मिला परोसा था। मैं बहुत अलग रहता हूं पिता, खुले दिल का अब भी हूं जो दूसरी में साथ थे मैं अब भी उनका ढब्बी हूं। जिगरी जिगरी अब भी खप्पी हूं, अब भी हूं मैं शेर दिल माइक पे हूं, मुझसे आना वैसे रब्बी शेर गिल। काम हो के अपने काम पे मैं ध्यान दूं ना फालतू का ज्ञान दूं ना फालतू बयान दूं। पीछे वाली सीट वाला पेपरों में चीट वाला खोटा सिक्का ठीक साला वही हूं। मथा मेरा हीट वाला छोटी बातें पीट डाला स्वैग पूरा स्ट्रीट वाला वही हूं। जब मैं स्कूल में था तब समोसा पहुंचा छह पर, मैं कॉफी वाली चाय पीता था मोचा कहकर। अब मौके पे मैं मौका लेके उसको भी पिलाता हूँ, मैं तब बावला था मुझको तब नहीं था बनना रैपर। यार मैं तब छोटा था ना। तब मैं पहले क्रश के साथ तो मैं जा रहा था बरसाती में, वो थी अपने छाते में क्योंकि बारिश बहुत थी। टॉफी थी हाथ तो मैं कैरी ये नहीं खाती, मैं नखरे थी दिखाती पर मुझ में खारिश बहुत थी। ख्वाहिशें बहुत थी और खुजली थी ये चौटती, मैं जैसे घर को लौटती बोली मम्मा को बोलूंगी बच्चा मैं नॉटी और तभी फटी बहुत थी। फिर उससे बातें रोक दी है नाउ शी फॉलोज मी। अब उसकी जॉब की सहेलियों का मैं चहेता, मांगती है नंबर एफबी पे मैं नहीं देता। मन तो बहुत है कहानियां सुना दूं पर मैं बॉल लेके आ गया ना भाई बैठ देगा पीछे वाली सीट वाला पेपर। कर्मा का रैप भी बहुत जबरदस्त है यार इसमें। मथा मेरा हीट वाला छोटी बातें पीट डाला स्वैग पूरा स्ट्रीट वाला पीछे वाली सीट वाला पेपरों में चीट वाला छोटा सिक्का ठीक साला मथा मेरा हीट वाला छोटी बातें पीट डाला स्वैग। अंबर बाटा के रफ्तार सुबह को उठ के स्कूल जाता बस में गाने गाते गाते यूनि में थे जैम करने सारे मेरे पास आते। लगी जो नौकरी तो ले ली मैंने कार, बोला यारों को कि काम काज पे है सारे साथ जाते। चलाया रेडियो तो चलता गाना आधा, गाने चलते बीच से और जय जय पैप ज्यादा। आर जे से हार गए एड हमको मार गए, यार मेरे बोर हो के कार में से भार गए। तभी तभी करा नया सा सीन ऑन, प्राइम म्यूजिक एड फ्री है अपना अमेज़न। लौटे मेरे यार भोले मिलके एक साथ बोले Alexa, please play Raftar's latest song. Catch all my latest hits on Amazon Prime Music. Yes, bro. Shukriya. तो फाइनली गाना मैं देख चुका हूँ और कहना चाहूँगा कि रफ्तार इस बैक, रफ्तार का ये गाना बहुत सही है, बहुत अच्छा लिखा गया है रफ्तार के द्वारा। अगर ये रफ्तार ने लिखा है तो मैं कहना चाहूँगा सल्यूट है रफ्तार को। रफ्तार का ये गाने के लिरिक्स मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये गाना जो है स्कूल से रिलेटेड है और स्कूल से रिलेटेड जो है बच्चों के लिए है, तो बहुत सही गाना है और मेरे टाइम से ही रिलेटेड गाना है। बस फ़र्क इतना है कि इसके टाइम पर 4 रुपये का समोसा था और सेम टाइम पर मेरे यहाँ बहुत कम का समोसा था।
तो बहरहाल रैप ओवरऑल अच्छा है, बहुत अच्छा रैप है, बीट भी बहुत जबरदस्त है और गाने के लिरिक्स जो है वो भी अलग है। कर्मा का रैप जो है बहुत गजब है, बहुत बेहतरीन है कर्मा का रैप इस गाने के अंदर। और एक बात कहना चाहूँगा, चलिए इन्होंने अब लीक से हट के कुछ अच्छा बनाने की कोशिश की है, तो मैं तो फुल ऑन सपोर्ट करूँगा रफ्तार को कि इन्होंने फिर से वही दुखड़े नहीं रोए कि हमने स्ट्रगल किया फलाना टीम का, लेकिन इन्होंने अच्छा बेहतरीन गाना बनाया है अब स्कूल की लाइफ को लेकर और मुझे पसंद आया। और ख़ासकर जब अंकुर पाठक इसमें आ जाते हैं और बैट लेकर गिटार बजाने की एक्टिंग करते हैं, ऑसम एक्टिंग है अंकुर पाठक की। और रफ्तार का भी गाना मुझे बहुत पर्सनली पसंद आया और बहुत अच्छा लगा ये गाना। तो चलिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यहाँ पर और बेल आइकन को प्रेस कीजिए यहाँ पर। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।